हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तबीयत थोड़ी सी नासाज सी है जी, बट आवाज़ वगैरह जो है मैनेज कर लीजिएगा, चीज़ें समझ आ जाएं ये मेक श्योर मैं जो है कर दूंगी। सिक्स क्लास है हमारी ये, हम पांच क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। स्टैट की बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लासेस हैं कि एटलीस्ट इतना आपको पता हो, इतना बेसिक आपको पता हो, कहीं पर भी आपके ये इस्तेमाल होगा। पेपर वन में डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, पेपर टू एजुकेशन में या साइकोलॉजी में तो इंपॉर्टेंट है ही है। बाकी जो एमएड के एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होते हैं एमएड के लिए, तो उस दौरान भी, क्योंकि बीएड में भी एक बेसिक स्टैट होता है, तो वो बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। आज हम बात करेंगे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की, स्क्यूनेस की और कर्टोसिस की। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इन कॉन्सेप्ट से रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं और कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए सिर्फ ध्यान से बात सुननी है। अगर आवाज में गड़बड़ लग रही हो तो थोड़ा और ध्यान से सुननी है, ठीक है। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता क्या है? तो देखो, हम कई बार ये बोलते हैं ना नेचर में कि ये तो नॉर्मल बच्चा है, नॉर्मल इज लाइक एवरेज। सो आप नॉर्मल को अगर लिटरल मीनिंग पे जाओगे, सो आप एवरेज से मतलब निकाल सकते हो इसका, ठीक है। जैसे नेचर ने बहुत खूबसूरती से, आपने देखा होगा कि आप मोस्टली लोगों को देखोगे, सो ऐसा नहीं होता है कि मोस्टली लोग अमीर हैं या मोस्टली लोग गरीब हैं। आप ये देखेंगे कि मोस्टली लोग एवरेज हैं, एवरेज की कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, वेल्थ वाइज हो, इंटेलिजेंस वाइज हो, किसी भी वाइज हो, ओके। सो मोस्टली लोग नेचर में आप देखेंगे, नेचर ने बहुत बढ़िया तरीके से बैलेंस कर रखा है कि मोस्टली लोग जो हैं वो एवरेज होंगे, जो सबसे कम है या जो थोड़े ज़्यादा की तरफ है, या जो मान लो चाहे कोई अमीर है तो वो अमीर में सब लोग नहीं आते ना, कुछ एक परसेंट, बिल्कुल 1% वाले अमीर में आते हैं, कुछ एक वाले बिल्कुल गरीब में आते हैं, बाकी लोग तो मिडिल क्लास ही हैं, राइट। तो वो मिडिल क्लास को हम एवरेज बोल देते हैं, नॉर्मल बोल देते हैं। ऐसे ही एजुकेशन में या साइकोलॉजी में होता है, जिसमें हम जो कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं, मान लो मुझे बच्चों का अचीवमेंट स्कोर देखना है या मुझे उनकी इंटेलिजेंस देखनी है, उनकी क्रिएटिविटी देखनी है, तो वो सारी चीजें जब आप रैंडमली सैंपल सेलेक्ट करेंगे, यानी रैंडमली आप डाटा कलेक्ट करेंगे, और आपने बहुत सारे लोगों का डाटा कलेक्ट कर लिया, और जब आप उसको एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंगली एक टिपिकल सा ग्राफ मिलेगा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का। ये नॉर्मल वाला मिलेगा आपको, यानी कि मेजर मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं वो यहां पे आपको बीच में नजर आएंगे, ये हमारा नॉर्मल होता है। इसमें एक दो चीजें अच्छी क्या है इस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में, अगर आपको यहां नहीं नजर आ रहा हो तो मेरी ड्रॉइंग की गलती है, अदरवाइज ये जो लेफ्ट हाफ है और ये जो राइट हाफ है, ये दोनों जो है क्या होते हैं जी, इक्वल होते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। बेसिकली मैं ये बोलना चाह रही हूं कि ये सिमेट्रिकल है, ठीक है, कि लेफ्ट और राइट इक्वल हैं बिल्कुल, जितना यहाँ इस लाइन से उधर है उतना ही इधर भी हैं चीज़ें। सो ये क्या है जी, ये जो लाइन है इसी के ऊपर अपना मीन है, जो हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहे थे, इसी के ऊपर अपना मीडियन है और इसी के ऊपर अपना मोड है। तो जब आपसे बोला जाए कि अगर कोई ऐसा ग्राफ है जिसमें मीन, मीडियन, मोड सेम पॉइंट पे कंसाइड करते हैं या सेम पॉइंट पे हैं, सो वो कैसा ग्राफ होगा, तो वो सिमेट्रिकल ग्राफ होगा या वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होगा। अब नॉर्मल तो हमने बता दिया, पॉइंट ये है कि जब आप देखते हैं ना चीज़ों को, या मान लो आप जो होते हैं ना लूडो खेलते टाइम वो गोटी उछालते हैं, तो उसमें 1 से 6 तक चीज़ें होती हैं, जब आप उसको बैठ के शांति से बार बार उछाल के देखोगे, उस फ्रिक्वेंसी को नोट करोगे ना कि अच्छा अब 1 आया 4 आया 6 आया इस तरीके से, तब भी आप देखोगे कि जब आपने बहुत बार करके देख लिया तो एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बनेगा, यानी नॉर्मल या एवरेज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए इसको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी यानी चांसेस ज्यादा हैं नॉर्मल या एवरेज चीज के आने के, ओके। तो इसलिए इसको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भी बोलते हैं। अब पॉइंट यह है कि दो यहां पे लोग हैं, लैपलेस और गोस, इन दोनों ने, मतलब वो इन्होंने एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स की साइड पे दिया, वहां पे उन्होंने कुछ एरर को प्लॉट करके देखा इंडिपेंडेंटली, तो ये कर्व निकल के आता है। तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंटली जब इन्होंने इस कर्व की बात की है सबसे पहले, तो इसको कई बार गॉस के नाम पे गॉसियन कर्व भी बोल देते हैं, GAUSSIAN। तो गॉसियन कर्व, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, कई बार नॉर्मल कर्व भी बोल देते हैं, अगर आप एरर प्लॉट कर रहे हैं तो नॉर्मल कर्व ऑफ एरर भी बोल देते हैं, क्योंकि इन्होंने एरर प्लॉट करके देखी थी, डिस्ट्रीब्यूट करके देखी थी, तो इन्होंने नॉर्मल एरर जो है कर्व भी इसको बोला था। सो आई होप ये चीज समझ आई होगी। अब एक तो ये सिमेट्रिकल है,
अब पॉइंट ये है कि ये इसको यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये बेल की शेप में, घंटे की शेप में, स्कूल में घंटी बजती थी ना, यहाँ पे ऐसे लटकी होती थी और वो घंटी बजती थी और हमारी छुट्टी हो जाती थी, तो वही वाली घंटी यहाँ पे है। तो इसको, क्योंकि इसकी शेप बेल के शेप की है, तो इसको बेल शेप्ड कर्व भी बोलते हैं। ओके, सो ये नाम आपको बेसिक से याद रखने हैं। दूसरा, ये यहाँ से और यहाँ से नीचे टच नहीं हो रहा होता, यानी इस लाइन के ऊपर, हमारी जो बेस लाइन है इसके ऊपर कहीं जीरो से स्टार्ट या कहीं यहाँ पे आगे की तरफ जीरो, तो वो पॉइंट है कि बिल्कुल नीचे नहीं टच होता, तो इसको एसिम्प्टोटिक कर्व भी बोलते हैं। ओके, जस्ट बिकॉज ये टच नहीं हो रहा है तो इसको एसिम्प्टोटिक कर्व बोलेंगे। बाकी और चीज़ें अगर देखें तो एक पूरा बड़ा ग्राफ निकल के आता है जिसमें हम एग्जैक्टली बताते हैं कि हमने 10,000 लोगों से डाटा कलेक्ट किया, उन 10,000 में से अगर आप इधर तक देखोगे और इधर तक देखोगे तो 34 13 34 13, यानी इतने लोग इधर और इधर, तो ये ओवरऑल एवरेज अगर आप देखोगे तो ये 6 8 2 और 3 और 3 6, यानी अगर परसेंटेज निकालूं तो 68.26% अप्रोक्स लोग बीच में लाई करते हैं। इट्स लाइक बीच में है, सारे मिडिल क्लास लोग हैं। इससे ऊपर या नीचे होंगे तो वो अबनॉर्मल हो जाएंगे, जो हम यूजुअली बच्चों के केस में भी बोलते हैं कि चाहे तो नॉर्मल एवरेज बच्चा है, ठीक है, या ये इंटेलिजेंट ज्यादा है, यही थोड़ा सा स्लो लर्नर है, सो वो चीजें क्या आ जाएंगी, कम या ज्यादा में आ जाएंगी। सो ये डाटा जो है, जब आप ये डाटा याद रखने की कोशिश करते हैं, सो उससे एक कॉन्सेप्ट या एक क्वेश्चन सॉल्व हम करते हैं, जो कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बताऊंगी, अदरवाइज यहां कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ये हो गया जी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। अब इस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में तो सिमेट्री है, अगर मैं इस सिमेट्री को गड़बड़ा दूं या मैंने जो डाटा कलेक्ट किया है उसमें ये सिमेट्री नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने इसको यहां से पकड़ा और मैंने राइट की तरफ इसको मूव कर दिया, यानी ये चीज आ गई मेरी, यहां से पकड़ के मैं इसको राइट में ले आई, यानी मेरा जो झुकाव है, इंक्लिनेशन है, वो यहां लेफ्ट की तरफ ज्यादा है, इंक्लाइंड टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। सो लेफ्ट की तरफ जब इंक्लिनेशन है, या फिर आप ये लगा लीजिए यहां पे सिमेट्री में जब गड़बड़ है, सो ये आ जाएगी जी पॉजिटिव स्क्यूनेस। यानी स्क्यूनेस का क्या मतलब हो गया, SKNESS, स्क्यूनेस का मतलब हो गया कि सिमेट्री नहीं है अब, तो लैक ऑफ सिमेट्री, ये वर्ड याद रखना है, व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ सिमेट्री दैट मींस वो स्क्यूनेस है, वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व नहीं है। ओके, तो जब सिमेट्री दो तरीके से गड़बड़ हो सकती है, अब ये सिमेट्री हो सकता है इधर से इधर की शिफ्ट हो जाए या उधर शिफ्ट हो जाए, राइट, तो ये यहां से राइट की तरफ अगर शिफ्ट होती है तो ये पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव है, ठीक है, राइट की तरफ जब शिफ्ट होती है सो ये नेगेटिव स्क्यूनेस है, जब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होती है सो ये पॉजिटिव स्क्यूनेस है। ओके, तो ये याद रखना है आपको, जिधर, अब देखो क्योंकि हमने ये मीन मीडियन मोड यहां तो बीच में था, इसीलिए तो सिमेट्रिकल बोल रहे थे इसको, यानी कि जैसे ही मेरी सिमेट्री चेंज हुई मेरा मीन मीडियन मोड भी तो चेंज हो जाएगा, तो जब वो मीन मीडियन मोड यहां चेंज होगा तो इंक्लिनेशन, आप ये याद रखिए, जिस तरफ झुकाव ज्यादा है ना, क्योंकि आपने ये, या तो आप इस तरीके से याद रख लीजिए कि आपने ये पकड़ा, यहां से राइट की तरफ मूव किया तो नेगेटिव, लेफ्ट की तरफ मूव किया तो पॉजिटिव स्क्यूनेस, इतना याद हुआ। अब इसके बाद अगर आपने ये लिख लिया पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये जो झुकाव है, इंक्लिनेशन है, ये इंक्लिनेशन जब जिस भी तरफ है, यहां पे राइट की तरफ इंक्लिनेशन है और यहां लेफ्ट की तरफ इंक्लिनेशन है, सो उस इंक्लिनेशन वाली साइड आपका क्या आएगा, मीन आएगा, उसके बाद आप मीडियन, मेन मीडियन, और उसके बाद आपका मोड। ये चीज अगर आप याद रखेंगे तो आपको चीजें बेटर तरीके से समझ आ जाएंगी। ऐसे ही ये इंक्लाइंड है तो यहां पे मीन, यहां मीडियन और यहां पे मोड, ठीक है जी। अब इससे क्या समझ आता है, अब यहां से तो हम यही करते हैं ना कि ये ऊपर की तरफ वैल्यू बढ़ रही होती है एक्स वाई एक्सिस पे, यहां पे एक्स एक्सिस पे इधर की तरफ वैल्यू बढ़ रही होती है, यानी मैं अगर देखूं तो ये वैल्यू इधर जाएंगे तो बढ़ेगी, यानी मीन की वैल्यू ज्यादा है मीडियन से और मीडियन की ज्यादा है मोड से, तो पॉजिटिव स्क्यूनेस में मीन ज्यादा होगा, मीडियन कम होगा और मोड उससे भी कम होगा। नेगेटिव स्क्यूनेस में क्या हो जाएगा, इस तरफ जाएंगे तभी तो वैल्यू बढ़ती है, यानी कि मीन की वैल्यू कम है यहां, मीडियन की ज्यादा है और मोड की। सो आपको क्या समझ आया यहां से, कि अगर मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड है, तो मीन ग्रेटर देन था तो ये पॉजिटिव स्क्यूनेस है, अगर अपना मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड है तो अपना ये हो गया नेगेटिव स्क्यूनेस।
सो ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि नेगेटिव स्क्यूनेस में मीन मीडियन की मोड की वैल्यू कैसे होगी, किस सीक्वेंस में होगी, या फिर ये पूछ लिया कि मीन की ज़्यादा है मोड से, मोड की ज़्यादा है मीन से. सो वो कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है. जब आप ये ग्राफ बना समझ जाएंगे तो आपको मीन मीडियन मोड भी समझ आ जाएगा. अब ये देखो मीन, हम यहाँ मीन जब लेके चल रहे थे यानी एवरेज ही था वो एक तरीके से, हम सारे लोग सारी चीज़ों को सम करके डिवाइड बाई नंबर कर देते हैं तो वो मीन एवरेज निकल के आ जाता है. अब वो जो एवरेज है यानी मोस्टली बच्चे उस एवरेज में हैं. अगर यहाँ मैं बोल रही थी कि मोस्टली बच्चे जैसे ये 68.26% यहाँ लाए करते हैं, राइट, बट अब तो मीन इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी कि मेरा एवरेज तो यहाँ है बट मोस्टली बच्चे, ये देखो ये ग्राफ मेरा, मोस्टली बच्चे तो इससे पहले लाए करते हैं, यानी कि मोस्टली बच्चों के, मान लो मैं मार्क्स को देख रही हूँ, सो मेरे मीन मार्क्स यहाँ पे हैं, लेकिन मोस्टली बच्चों के मार्क्स मीन से कम हैं, यानी कि जो टेस्ट है वो इजी हुआ कि डिफिकल्ट हुआ, मतलब मीन तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं बच्चे तो टेस्ट डिफिकल्ट हुआ ना भाई, राइट. अगर यहां पे मैं देखूं ये मीन है और मोस्टली बच्चे मीन के बाद लाए कर रहे हैं, देखो मेरा ग्राफ, मोस्टली बच्चे बाद में लाए कर रहे हैं, यानी कि मीन के ऊपर तो सबके ही नंबर है एक तरीके से, कि मान लो मैंने 100 मार्क्स का टेस्ट लिया था, बच्चों के टोटल मिला के मीन जो है मेरा 50 आ गया और 50 से ऊपर है सबके नंबर, यानी टेस्ट मेरा यहां पे क्या है, ईजी है. सो ये कॉन्सेप्ट भी कई बार मीन मीडियन मोड के बेसिस पे पूछ लिया जाता है कि अपना अगर जो है मीन ज्यादा है या पॉजिटिव स्क्यूनेस है तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का होगा, आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, आपका टेस्ट जो है वो ईजी होगा डिफिकल्ट होगा. सो ये चीज याद रखिए, अगर मीन ज्यादा है, क्योंकि यहां पे मीन मीडियन से ज्यादा है, मीडियन मोड से ज्यादा है, तो जब मीन ज्यादा है और मोस्टली बच्चे लेफ्ट में लाए कर रहे हैं यानी टेस्ट डिफिकल्ट था, वो मीन तक भी पहुंच नहीं पाए हैं. यहां पे वो मीन तक तो पहुंच रखे, बहुत सारे बच्चे मीन से ज्यादा हैं, यानी टेस्ट बहुत इजी था कंपैरेटिवली कि मीन से ज्यादा ही हैं सारे बच्चे. ओके, यूजुअली क्या होना चाहिए, मोस्टली बच्चे मीन के आसपास होने चाहिए, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, बट जब ये सिमेट्री लैक हो जाती है तो स्क्यूनेस हो जाती है. ओके, अब बात आती है कर्टोसिस की. सो ये पॉजिटिव नेगेटिव स्क्यूनेस आपको अच्छे से याद रखना है बिकॉज ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है बार बार रिपीटेडली. अब ये था मेरा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, अगर इसमें सिमेट्री नहीं थी तो मैं बोल रही थी कि स्क्यूनेस है, बट अगर इसमें पीक्डनेस आ गई यानी या तो पीक बहुत लंबा जा रहा है या फिर पीक बहुत फ्लैट जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा जी, वो कर्टोसिस हो जाएगा मेरा. कोशिश करती हूँ ये वाली चीज़ रब ना हो, क्योंकि दोबारा बनाने में कई बार सिमेट्री बिल्कुल ही नहीं आती, मैंने बहुत मुश्किल से बनाया है ये बोर्ड के ऊपर स्पेशली. ठीक है, चलो बन गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट. तो अब मेरे को क्या करना है, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ये मेरा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है. चलो यहाँ बनाने की कोशिश, बन गया है बिल्कुल सही, तो इसको रब कर देते हैं. ओके, अगर इसमें सिमेट्री नहीं थी तो वो क्या था अपना, स्क्यूनेस. अब इसमें सिमेट्री तो है, लेकिन सिमेट्री क्या है, ये यहाँ पे या तो ऐसे फ्लैट हो गया है थोड़ा सा, ठीक है, मतलब जितना आना चाहिए था नॉर्मल से कम है, या फिर ये बहुत पीक आ गई है. इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि अगर हमने लेफ्ट राइट में देखा है तो ऊपर नीचे भी तो हो सकता है ना ये ग्राफ नॉर्मल से हटके. तो जब ये पीकनेस आ जाती है, पीकडनेस इज द वर्ड, पीकडनेस, ओके, पूछा जाता है ये चीज़. तो जब लैक ऑफ सिमेट्री है अपने पास, लैक ऑफ सिमेट्री, तो हम सिमेट्री ऐसे सिमेट्री उसकी कमी है तो स्क्यूनेस है, लेकिन जब मेरे पास पीकडनेस है तो मेरे पास क्या हो गया, वो कर्टोसिस है. यानी एक नॉर्मल कर्व की कर्टोसिस की वैल्यू, वो भी पूछ ली जाती है, 0.263 होती है, ये याद रखना है आपको. ये है अपने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की कर्टोसिस वैल्यू, यानी अगर इससे ज्यादा है या कम है तो मेरा या तो लेप्टोकर्टिक जाएगा. अगर ये देखो लपटे सी उठ रही है ना, ऐसे याद रख सकते हो आप, ये लपटे सी उठ रही है, तो अगर ये पीकडनेस ज्यादा है तो ये लेप्टोकर्टिक, ठीक है. जब ये फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट पड़ गया है, ठीक है, फ्लैट इज लाइक प्लेटिकर्टिक, प्लेटी फ्लैट ना, प्लैट फ्लैट, थोड़ा याद रखिए, प्लेटिकर्टिक, ठीक है जी. अब ये वैल्यू जो आपकी रहेगी, अगर ये वैल्यू जो आपकी कर्टोसिस की वैल्यू आती है, कर्टोसिस की वैल्यू अगर वो ग्रेटर देन 0.263 है, ज्यादा है, तो वो प्लेटिकर्टिक कर्व होगा. यानी वैसे तो ये ज्यादा है, ठीक है, बट जब वैल्यू की बात आती है तो जब वैल्यू 0.263 से ज्यादा है सो वो प्लेटिकर्टिक, अगर इससे कम है तो वो क्या आ जाएगा जी, लेप्टोकर्टिक.
ओके सो मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपको ये लपटें उठ रही हैं, पीकनेस ज्यादा हो रही है. सो वो लेप्टोकर्टिक, अदरवाइज प्लेटिकर्टिक, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, स्क्यूनेस, पीकनेस, और आपका जो है पूरा का पूरा पॉजिटिव नेगेटिव स्क्यूनेस, मीन मीडियन मोड, टेस्ट इजी, टेस्ट डिफिकल्ट. इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, एक चीज और आ जाती है जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम वैल्यूज को याद रखते हैं कि ये अपना मीन है. यहाँ पे हम जो सिग्मा की वैल्यूज हम लेके चलते हैं, प्लस माइनस माइनस, इधर माइनस सिग्मा, वन सिग्मा, माइनस टू सिग्मा, माइनस थ्री सिग्मा, इधर हम लेके चलते हैं प्लस वन सिग्मा, प्लस टू सिग्मा, प्लस थ्री सिग्मा. ओके सो कई बार मैंने ये बोला ना कि टेस्ट जो है वो डिफिकल्ट या इजी, तो हमने कॉन्सेप्ट बेसिस पे बता दिया. तो पेपर टू में आता है यूजुअली ये क्वेश्चन. पेपर वन वाले बच्चे यहां तक अगर उनको समझ आ गया है सो यू आर इन सेफ जोन. बट पेपर टू की अगर बात करें एजुकेशन में, सो एक क्वेश्चन आता है, मैं उसका क्वेश्चन में एक बार प्रैक्टिस अभी करा दूंगी कि उसमें यह पूछ लिया जाता है कि मान लो 500 बच्चे हैं, यानी आपको एन की वैल्यू दे दी टोटल. अब इन 500 बच्चों में से, यानी ये जो मैं 10,000 का डाटा ले रही थी, अब 500 ही हैं. ओके तो 500 बच्चों में से अगेन वही जो परसेंटेज रहेगी मेरी कि 34.13% यहाँ इस मीन से लेफ्ट की साइड है, 34.13% इधर राइट की साइड है. आपको ये वाला जो गैप है ये स्टैंडर्ड डेविएशन से आता है कि आपको बोल दिया मीन है आपका 50, तो यानी ये मीन 50 है. 50 से उधर स्टैंडर्ड डेविएशन मान लो 10 दे दिया, तो ये इधर 60 हो गया, इधर कम होती जाएंगी 50 से 40, 30, 20, इस तरीके से. ओके सो वो चीज़ यहाँ पे जब आएगी और आपसे पूछ लिया मान लो कि 60 से कम नंबर किसके हैं, ठीक है, तो वो 60 से कम नंबर कितने बच्चों के हैं ये आपसे पूछ लिया, तो उसमें आप कैसे कैलकुलेट करते हो, ये परसेंटेज याद रखते हो आप. यानी मुझे ये पता है कि यहाँ पे है ये 60 वन सिग्मा के ऊपर, और इससे कम यहाँ 50%, इधर भी 50% है, तो ये 50% तो रहेगा ही, प्लस मैंने 34.13 उसमें ऐड कर दिया, यानी 50% था, 34.13 ऐड किया तो 84.13 आ गया. यानी 84.13% बच्चों के मार्क्स 60 से नीचे हैं. समझ आई ये चीज? तो वो मैं क्या करूंगी, अब मेरे को अगर बच्चे 500 दे रखे हैं तो मैं उसका 84% निकालूंगी. अगर नहीं दे रखे होते, सिर्फ परसेंटेज भी पूछ लेते हैं, तो सिंपली आपको जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की परसेंटेजेस याद रखनी है, वो याद रख के आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वो आपको सिंपली पता चल जाएगा, मीन आप दे रखा है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, फिर जो स्टैंडर्ड डेविएशन से आप वैल्यूज निकालेंगे वहां से आपको पता चल जाएगा क्या पूछा जा रहा है. सो एक बार इस क्वेश्चन को भी करके देखेंगे. बाकी इसके अलावा तो बहुत ही ईजी है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार आप लोग कमेंट करते हैं मैम ये वाली क्लास समझ नहीं आई, बट क्या समझ नहीं आया वो तो करो ना. मतलब अब क्या यहाँ पे हेलो हाय खेल रहे हैं क्या अपन, की आप बोलोगे मैम ये वाली क्लास समझ नहीं आई, फिर मैं पूछूंगी क्या समझ नहीं आया, फिर आप बताओगे क्या समझ नहीं आया. आप पहले से ही प्रॉपर क्वेश्चन फ्रेम करके दीजिए ना मुझे कि क्या समझ नहीं आया, ताकि अगर मुझे कमेंट दिखता है, मैं टाइम निकाल रही हूँ 5-10 मिनट का, तो मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई कर पाऊँ कि भाई ये समझ नहीं आया तो ये इस तरीके से आएगा, या फिर ये क्लास देख लो दोबारा से, ये देख लो, राइट. तो थोड़ा सा अपना भी टाइम बचाइए, मेरा भी बचाइए, और अच्छे से बताया कीजिए जब कोई चीज समझ ना आए, ठीक है. अब इनसे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं. इससे रिलेटेड मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं डाल रही हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. अब अदरवाइज जो मैराथन 6 ले रखी है मैंने पेपर 2 के लिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड करवा रखे हैं, तो एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो कर लेते हैं. आप बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही मिलते हैं. हाँ जी, तो अब बारी आ जाती है अपने क्वेश्चंस की. 6th क्लास है हमारी ये, 36 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं अपनी 5 क्लासेस से रिलेटेड. ये 37th क्वेश्चन है जो अपनी 10 क्लासेस की सीरीज हमने करनी है. पहला है इन केस ऑफ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. तो देखो अगेन सिंपली पूछा गया है आपसे. मैंने आपको बता दिया था कि ये अपना क्या है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है. अगर मैं इसको उठा के थोड़ा सा इधर रख देती हूँ, यानी कि ये आ जाएगा, तो इंक्लिनेशन लेफ्ट की तरफ हो गया. जिधर इंक्लिनेशन होता है उधर हम क्या करते हैं जी, मीन रहता है अपना, देन अपना मीडियन रहता है, और फिर अपना मोड रहता है. सो वैल्यू क्या हो गई, मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड. तो इसमें क्या है, मोड ज्यादा है अपना, तो मीन मीडियन मोड 4th आंसर रहेगा, सिंपल, ठीक है. अभी अभी करवाया मैंने आपको, तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए. डिस्ट्रीब्यूशन इन विच वैल्यूज ऑफ मीन मीडियन मोड आर नॉट इक्वल इज कंसिडर्ड एज व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. जब ये इक्वल होती है तो अपना क्या निकल के आता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व निकल के आता है, क्योंकि एक ही जगह पे मीन मीडियन मोड होता है. बट अब ये इक्वल नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है. तो मीन मीडियन मोड इक्वल कब नहीं होते, जब स्क्यूनेस होता है. स्क्यूनेस कब होता है, जब असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब लैक ऑफ सिमेट्री होती है हमारे पास. तो आंसर आ गया सी.
विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड बी यूजफुल फॉर कमेंटिंग अपॉन द डिग्री ऑफ सिमेट्री इन अ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. सो डिग्री ऑफ असिमेट्री, यानी सिमेट्री नहीं है, लैक ऑफ सिमेट्री है, तो हम कौन सा मेजर यूज करेंगे? हम स्क्यूनेस यूज करेंगे, सिंपल. ठीक है, इन अ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन अगेन. अब देखो वहां पे तो हमने सिंपली बोल दिया था कि मोड ज्यादा है, मीडियन एंड देन मीन, ये नेगेटिवली स्क्यूड में होता है. बट यहाँ पे अब हमसे स्पेसिफिकली पूछ लिया, यानी देखो मोड ज्यादा है तो मीन तो नहीं है ज्यादा, तो ए तो नहीं आएगा. मीडियन ज्यादा है मीन से, ये बात ठीक है. मीडियन जो है वो कम है मोड से, ये बात भी ठीक है. मोड ज्यादा है मीन से, ये बात भी ठीक है. सो बी सी डी तीनों ही ऑप्शन ठीक है, बट यहाँ पे तीन नहीं दे रखे, दो दे रखे हैं. इन्होंने बी सी भी दे रखा है, बी डी भी दे रखा है. सो बाद में ये क्वेश्चन करेक्ट हो गया था और इसमें दोनों ही ऑप्शन को सही माना गया था, बी सी और बी डी. ओके, सो ये याद रखनी है चीजें, बस आप और इंटरप्रेट करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप ये चीजें आराम से कर पाओगे. अगेन अब पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन का पूछ लिया, कौन सी चीज ट्रू रहेगी. सो पॉजिटिवली में क्या रहेगा, जब इसमें मोड ज्यादा था तो उसमें मीन ज्यादा है, मीन मीडियन मोड, ये पॉजिटिवली है, राइट. सो मीन ज्यादा है मोड से, ये बात ठीक है. मोड ज्यादा है मीडियन से, नहीं. मीन ज्यादा है, ठीक है. मोड ज्यादा है मीन से, नहीं. मीडियन ज्यादा है मीन से, नहीं. तो दो ही चीजें ठीक है, एक ए ठीक है अपना, एक सी ठीक है. आंसर ए और सी आ गया, ठीक है. इन केस ऑफ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन अगेन, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुआ है, बट ये पेपर में भी रिपीट हुआ है इस तरीके से. तो ये हमने कर लिया है, मोड ज्यादा, मीडियन, देन मीन. देन ये क्वेश्चन आता है अब अपने पास, जो मैंने आपको बताया था कि ये आपका जो ग्राफ है इसमें आप जो है याद रखेंगे कुछ चीजें, वो याद रखने वाली चीजें ये है. ओके, ये मैंने आपको बताया था 34.13. सो आप ये लगा के चलिए, मैंने 10,000 लोगों का डाटा कलेक्ट किया है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बनाने के लिए. अब उस 10,000 में 3413 और 3413 यहाँ लाई करते हैं, यानी ये मेरा मीन है, क्योंकि इधर भी 50% आने हैं, इधर भी 50% आने. तो आप एक तरफ का भी याद रखेंगे तो दूसरी तरफ सेम ही चीजें हैं. सो यहाँ पे 1 सिग्मा तक, 1 सिग्मा क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे जेड स्कोर डिनोट कर रहा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है स्टैंडर्ड स्कोर. ओके, सो यहाँ पे क्या रहेगा जी, 34.13. देन 1 सिग्मा से 2 सिग्मा तक जो बच्चे हैं वो है 1359, यानी 13.59%. देन आपके 2.14% और 0.14. तो ये बात आप याद रख सकते हो, ये चारों वैल्यूज दूसरी तरफ भी चारों सेम ही रहेंगी. अब क्वेश्चन समझते हैं, ये बेसिक है, ये बेसिक है, ये आपको याद रखना है. एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर है जिसमें मीन है 54, तो ये मीन है, यहाँ पे हम 54 लिख लेते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन है नो, यानी कि ये डेविएट जो हो रहा है ना इधर और इधर, वो नो वैल्यू से डेविएट हो रहा है. यानी यहां अगर 54 है तो ये पॉजिटिव में है, तो 54 प्लस नो हो जाएगा. सो नो अगर मैं इसमें प्लस करूंगी तो कितना आ जाएगा, 9 और 4 13, 5 और 1 6 63, यहां आ जाएगा 63. 63 में फिर से 9 प्लस करूंगी तो 9 10 11 12, 6 और 1 7 72, राइट. अब ये पूछ रहे हैं और इधर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा. यहां पे 9 माइनस करूंगी तो 45 आ जाएगा, 45 में से भी 9 माइनस किए तो 36 आ जाएगा, ठीक है. तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो परसेंटाइल रैंक है, परसेंटाइल जब भी पूछा जाए, अगर मैं बोल रही हूं 10 परसेंटाइल, यानी 10% लोग एक तरीके से आपके नीचे हैं, सो आपसे नीचे वाले चीजों की पूछी गई है. ये बोल रहे हैं परसेंटाइल रैंक क्या होगी वो स्टूडेंट की जो कि 72 स्कोर कर रहा है. सो 72 स्कोर यहाँ पे आ रहा है, 2 सिग्मा पे 72 स्कोर हो रहा है. हमें इससे नीचे वाली चीजें कैलकुलेट करनी है कि कितनी परसेंटाइल बच गई है. ओके, सो हम नॉर्मली क्या करेंगे, ये मीन है, मीन से इधर तो 50% है. सो 50% में 34.13 ये वाला और अपना 13.59 इनको जोड़ दीजिए जी, राइट. यही तो आएगा, और क्या आएगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 10 11 12, 5 और 1 6 और 1 7, 4 और 3 7, 5 और 3 8 और 1 9, 97.72 आ गया आपका आंसर, 97.72 आएगा. यहाँ पे ज्यादा दे नहीं रखा है तो हम जो है वो जो भी 99 के साथ भी जा सकते हैं एक तरीके से, बट एग्जैक्ट आंसर आपका 97.72 आएगा. 72 से नीचे आपसे चीजें पूछी गई है, ठीक है. यहाँ पे वो एग्जैक्ट वैल्यू दे नहीं रखी है, तो आप 95, 99, मुझे ध्यान नहीं है कौन सा उन्होंने सही बोला था, बट आंसर अपना 97.72 आएगा. ओके, देन है अ टेस्ट वॉज गिवन टू 360 स्टूडेंट्स. अब 360 बच्चों के लिए दिया गया है एक टेस्ट. ओके, यानी एन की वैल्यू दे दी मेरे पास, जो मेरे पास 10,000 थी ना, अब मेरे पास 360 है. ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर हमें मिला है, यानी अगेन वही वाला ग्राफ अपना. अब इसमें बोल रहे हैं मीन है 45, ये है 45. देन बोल रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन है नो, यानी इधर करूंगी तो नो प्लस, पहले में नो प्लस हो जाएगा, तो नो प्लस किया तो कितना आया, 54 आया.
देन इधर नो माइनस किया तो कितना आया 36 आया। ये बोल रहे हैं परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट बताइए जो कि आउटसाइड द लिमिट्स हैं, यानी ये 36 से लेके 54 तक, इसको छोड़ के कितने परसेंटेज बची है वो आपसे पूछिए, और सीधा परसेंटेज ही पूछिए। ऐसा नहीं है कि आप उसमें सिर्फ बच्चों की परसेंटेज निकालें, कितने बच्चे हैं ये नहीं पूछा है, परसेंटेज पूछी है। सो ये तो सिंपल सी बात हो गई, यहाँ पे 31.4 ये था, यहाँ पे भी 34.13 था, टोटल मिला के ये 68.2 तीन और तीन छः ये हो रहा था, यानी इसको मैं 100 में से माइनस कर दूं तो बचा हुआ क्या है, ये बचा हुआ बच गया आउटस्कर्ट वाला, राइट। सो 100 में से 68 गए तो 32 अराउंड बच गया, तो 32 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो एटलीस्ट आपको क्या याद रखना है, आपको वो ग्राफ याद रखना है, ये कर्व याद रखना है, इसमें जो परसेंटेजेस है वो याद रखनी है, बाकी कॉन्सेप्ट सिंपल है। अगेन एक टेस्टिंग सर्वे है क्लास टेंथ का, जिसमें बच्चे हैं 500, देयर मीन वॉज 80, स्टैंडर्ड डेविएशन 8, तो यहाँ पे क्या पूछा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप मान के चलिए, कितने स्टूडेंट्स ने 88 नंबर से नीचे स्कोर किया है, इन्होंने ये नहीं पूछा कितने परसेंट स्टूडेंट ने। अब जो परसेंटेज तक हमने निकाला है वो परसेंटेज हम इसकी निकाल देंगे 500 की, यानी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो ये था अपना, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 80 मीन है, यहाँ पे 8 डेविएशन है तो ये 88 हो जाएगा, यहाँ पे 72 हो जाएगा, हमसे 88 से नीचे पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बिलो द स्कोर 88, तो 88 से नीचे कितने हैं, ये 50% है, 50% में आप क्या जोड़ दोगे, 34.13 ऐड कर दोगे, सो ये 84.13 स्टूडेंट्स जो हैं वो 88 मार्क्स से नीचे स्कोर किया है उन्होंने। सो अब 84.13 की बजाय हम 500 का 84.13 निकालेंगे, इतना परसेंटेज, ठीक है। जब आप ये परसेंटेज निकालेंगे तो ये 420.65 आएगा, ठीक है, यानी 421 बच्चे हो गए, 0.6 है ना, तो 421 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 88 से नीचे स्कोर किया है, तो आंसर क्या आ जाएगा जी, 421। अगर परसेंटेज पूछते तो हमें सीधा प्लस ही तो करना है, आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए कि कितना कितना पूछा गया है, ठीक है। देन एक और क्वेश्चन, एक यूनिवर्सिटी टीचर ने एक सर्वे कंडक्ट करवाया बच्चों की अचीवमेंट का, डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्कोर का वो आप क्या लगा कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है तो पूछ रहे हैं कि परसेंटाइल रैंक क्या होगी 60 से नीचे वालों की। अगेन 60 से नीचे ये है मेरा, ये थोड़ा ग्राफ में जब बना रही हूँ तो गड़बड़ बन रहा है, बट आप समझ लीजिए भावनाएं। 50 मीन है, डेविएशन कितना है 10 है, यानी इधर 60 रहेगा इधर 40 रहेगा, पूछा है 60 से परसेंटाइल, यानी 60 से नीचे वाले पूछे हैं, तो नीचे वाले अभी अभी तो किया था हमने, ये 50%, ये 34.13, यानी 84% बच्चे हैं यहाँ पे, तो परसेंटाइल तो पूछी है हमसे, राइट, तो आंसर 84 आ जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ हमें क्या करना है, ये 50% मीन से इधर तो 50% है ना, बचा कितना 34.13, इनको ऐड कर दीजिए तो 84 आ जाएगा, ओके। अगर हमसे पूछता कि कितने बच्चे हैं, तो फिर जो 100 बच्चे हमारे पास हैं उन 100 बच्चों का मैं 84 पॉइंट ये वाला परसेंटेज निकालती, तो 100 का तो वैसे भी 84 ही बच्चे आ जाते फिर, राइट। ये आप याद रख सकते हैं एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी नॉर्मल कर्व के लिए फॉर्मूला करेक्ट नहीं है, आपसे पूछा है तो आपको ना पता हो तो ये थर्ड वाला सही नहीं है। जो आंसर रहेगा वो ये है, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मीन माइनस मीडियन, ये फॉर्मूला होता है नॉर्मल कर्व के लिए, ओके। आप स्क्यूनेस का भी याद रख सकते हैं, मैंने बताया नहीं था अभी बता देती हूँ, स्क्यूनेस का रहेगा 3 मीन माइनस मीडियन मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ये फॉर्मूला स्क्यूनेस का रहेगा। कर्टोसिस का याद रखना है वो भी याद रख सकते हो, एडिशनली अगर किसी बच्चे को इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। सो क्वार्टाइल डेविएशन जो मैंने आपको डिस्पर्जन में बताया था कि क्वार्टाइल डेविएशन होता है डिवाइड बाय 90% माइनस 10%, दैट्स इट। तो ये परसेंटाइल आपको जब दी मिले, क्वार्टाइल डेविएशन दिया हो, तो आप कर्टोसिस की वैल्यू निकाल सकते हो, ओके जी। चलो, अ टीचर फाइंड्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्कोर्स का एक सेल्फ मेड टेस्ट में इज पॉजिटिवली स्क्यूड, सो पॉजिटिवली स्क्यूड कौन सा होगा, यानी नॉर्मल वाले को पकड़ के मैं लेफ्ट में कर दूं, यानी ये वाला पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। व्हाट इन्फ्रेंस, क्या इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस टेस्ट। सो यहाँ पे इंक्लिनेशन टुवर्ड्स मीन है अपना, मीन से नीचे हैं मोस्टली बच्चे, यानी मीन तक भी नहीं पहुंच पाए, यानी टेस्ट डिफिकल्ट है ना, राइट, तो टेस्ट इज क्वाइट डिफिकल्ट। ये चीज मैंने आपको बता दी है, ये नेगेटिवली स्क्यूड, ये नॉर्मल, ये पॉजिटिवली स्क्यूड, यहाँ पे मीन मीडियन बराबर रहेगा, यहाँ मीन ज्यादा है,
ये नहीं मीडियन, यहाँ मोड ज्यादा है देन मीडियन देन मीन, तो मीन कम है तो ये टेस्ट कंपैरेटिवली इजी रहेगा नेगेटिवली स्क्यूड में, और पॉजिटिवली स्क्यूड में थोड़ा टेस्ट डिफिकल्ट रहेगा। तो ये बात आप याद रख सकते हैं, नोट्स में आप सिर्फ इतना सा ग्राफ भी बना लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक नॉर्मल कर्व के लिए कर्टोसिस की वैल्यू ईजी है, बताई थी अभी अभी, 0.263 जो है वो आंसर हो जाएगा। प्लेटिकर्टिक कर्व के लिए कर्टोसिस की वैल्यू क्या रहेगी, सो 0.263 था अपना नॉर्मल के लिए, इससे ज्यादा है तो प्लेटिकर्टिक है, इससे कम है तो लेप्टोकर्टिक है। लेप्टोकर्टिक लपटे पीक ज्यादा है, यहाँ पे फ्लैट है पीक। ओके सो ये हो गया जी मोर देन 0.263। सो इस तरीके के क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं, बहुत बेसिक टॉपिक है। आई कैन अंडरस्टैंड क्लास थोड़ी सी लंबी खिंच गई है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। परसेंटाइल वाली चीज अगर ना समझ आई हो तो पेपर वन वाले बच्चे वो पोर्शन थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं, इट्स ओके, बट पेपर टू वालों को वो चीज समझ आनी जरूरी है। वो क्वेश्चन पेपर टू में तो डेफिनेटली ओकेजनली पूछे गए हैं जब भी न्यूमेरिकल आया है। ओके जी, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्यूटली फ्री, and be consistent in your efforts.